नमस्कार, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। स्वच्छता अभियान के साथ जुड़ेंगे 4 लाख लोग। हर जिले में 15 किलोमीटर की होगी यात्राएं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, किसानों को मिलेगा लाभ। जी हां, आपको बता दें कि प्रदेश भर में भाजपा सरकार द्वारा हर जिले में 15 किलोमीटर तक की 10 यात्राएं की जाएगी, जिसमें से स्वच्छता अभियान को लेकर के लोगों को जागरूक किया जाएगा। महात्मा गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर को प्रत्येक स्कूल अस्पताल में पूरी तरह से सफाई की जाएगी। इस बार शहर और ग्रामीण क्षेत्र में 4 लाख से ज़्यादा लोगों को भाग लेना होगा और उसकी उम्मीद भी जताई जा रही है। इस अक्टूबर में सरकार 4 साल पूरे कर रही है, जिसको लेकर के 1 नवंबर को एक बड़ा कार्यक्रम पार्टी द्वारा करवाया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भाग लेंगे। लोगों को 4 सालों में पार्टी द्वारा करवाए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी जाएगी। किसानों के लिए चलाई गई स्कीम मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत जो किसान फसल को अपनी मेहनत के बल पर पैदा करता है, उसे ही मंडियों में बाजरा बेचने का अधिकार होगा, ना कि ट्रालियों में भरकर लाने वाले व्यापारियों को इसका लाभ मिलेगा। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। उसके साथ साथ एक स्वच्छता अभियान के स्तर पर चला हुआ है। उस स्वच्छता अभियान में 2 अक्टूबर को 4 लाख लोग, उसमें 1 लाख लोग ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत संस्थाओं और 1 लाख लोग शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों को 2 लाख लोग ज्ञान दिया। और इस बार स्वच्छता अभियान टास्क बेस्ड चलाया जाएगा। जैसे कुछ लोग अस्पताल साफ कर रहे हैं तो उसको पूरा करके जाएंगे, स्कूल कर रहे हैं तो पूरा करके जाएंगे, पशु अस्पताल कर रहे हैं तो पूरा करके जाएंगे, कुछ चौपाल कर रहे हैं तो पूरा करके जाएंगे। और हरियाणा सरकार को 1 अक्टूबर में 4 साल पूरे हो गए और उसकी 4 साल की गाथा, 4 साल की उपलब्धि नीचे तक पहुँचाना इस बार हमारी कार्यक्रम पूछना फसल उसके लिए भी तैयारी हम लिखने तक हम 4 वर्षों में काम किया पहुँचे और उसके एक समारोह के रूप में एक बड़ा फंक्शन 1 नवंबर को करना तो इस सबकी तैयारियों के लिए हमारी कार्यकारिणी जिला कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। आज मैं रेवाड़ी जिले की कार्यकारिणी की बैठक में कोसली में हिस्सेदार हुआ। जिस तरह से ये बातें चली, मतलब अब किसानों के लिए क्या कुछ खास होगा? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है बाजरे की खरीदी इस इलाके के लिए, और मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरी फसल मेरे ब्यौरा में सब लोग अपनी जानकारी दें। ये इसलिए ज़रूरी है कि किसने उगाया है उसको पैसा मिलना चाहिए। मान लो मंडी में लेके आए हैं वो कोसली में, और बाजरा 1600 रुपये बिक रहा है तो 350 रुपये उसके खाते में डालेंगे। अब 2 आदमी के खाते में डल सकते हैं, एक तो जो ट्रॉली भर के बेचने लाया, एक जिसने उगाया। हमने उसको देना है जिसने उगाया। ट्रॉली में तो कोई कहीं से भी भर के ला सकता है, इसलिए उगाने वाले को कब दे पाएंगे? जब वो अपना ब्यौरा दर्ज करवाएगा। तो इसलिए मेरी फसल मेरी ब्यौरा में आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि सब किसान भाई अपना मेरी फसल मेरे ब्यौरा में एक एक बाजरे के खेत का ब्यौरा जमा कराएं। धान की खरीद पहले एक एक दाना होती है, कपास की खरीद भी इस बार CCI जो है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खरीदने वाली है। 40 मंडियाँ बनवा रहे हैं, रेवाड़ी में भी एक खरीद केंद्र उसका बनवा रहे हैं, महेंद्रगढ़ में भी बनवा रहे हैं, झज्जर में भी बनवा रहे हैं, गुड़गांव में भी बनवा रहे हैं।